तथा दूसरे चरण के चुनाव में अब राम भक्त हनुमान की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी ने जहां कर्नाटक के हनुमान चालीसा विवाद का मुद्दा उठाया तो वहीं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर दी। उन्होंने कहा 20 मई को मोदी का हनुमान बनना है और कांग्रेस की भ्रष्ट लंका का दहन करना है। आपको इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट की कैसे सियासत में संकट मोचक की एंट्री से 24 का चुनाव और रोचक हो गया है। हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता। सो सब तब संकट मोचन हनुमान की भक्ति से सियासी शक्ति का ये अध्याय दूसरे चरण के चुनाव से पहले शुरू हो चुका है। अपनी हर सफलता का श्रेय हमेशा उन्होंने प्रभु राम को दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे कारण हुआ है, जो कुछ भी हुआ है प्रभु राम के कारण हुआ है। सीएम योगी हनुमान जयंती पर बजरंग बली का आशीर्वाद दे रहे हैं तो पीएम मोदी बजरंग बली के नाम सियासी संदेश दे रहे हैं। समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिला। इस शुभ अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। राम भक्त हनुमान का जिक्र उस वक्त हुआ है जब देश में हिंदू मुसलमान की सियासत हो रही है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ सनातन का झंडा बुलंद कर रही बीजेपी। एक तरफ सीएम योगी मंदिर में राम भक्त हनुमान की पूजा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पीएम मोदी वो दिन याद दिला रहे हैं जब कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया और हनुमान चालीसा पढ़ने पर लोगों को पीटा गया। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? कैसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और रामनवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। पीएम मोदी के इसी बयान के बाद मोर्चा स्मृति ईरानी ने संभाल लिया है। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर डाली है और कहा हमें 20 मई को पीएम मोदी को हनुमान बनाना है और कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में आग लगानी है। 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। नहीं कह रहे? 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगानी है। और ऊपर जाकर कमल का बटन दबाना है, राष्ट्रभक्त मोदी को जिताना है। दरअसल राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी देश की सियासत में हिंदुत्व का छाप छोड़ना चाहती है। बीजेपी की कोशिश जाति में बटे हिंदुओं को एकजुट करने की है। तभी चाहे अयोध्या का संदेश हो, काशी का कायाकल्प हो या फिर मथुरा की बारी हो, बीजेपी हर मंच से भक्ति और शक्ति का मुद्दा उठा रही है। ऐसे में क्या हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष घिर चुका है? क्योंकि राम मंदिर के विरोध का मुद्दा फिर गर्मा चुका है। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा विवाद से विपक्ष बैकफुट पर है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का विरोध भी हो चुका है। मथुरा जन्मभूमि पर विपक्ष की चुप्पी भी कहानी बयां कर रही है। यानी ये वो मुद्दे हैं जो विपक्ष को परेशान करने के लिए काफी हैं। तभी दूसरे चरण के चुनाव से ठीक दो दिन पहले पीएम मोदी और सीएम योगी ने हनुमान जयंती पर हिंदुत्व की रणनीति तैयार की।
और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।